अक्सर कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही कांटों भरी होती है। यहाँ जब इंसान सफलता की ओर बढ़ता है तो दोस्त के साथ दुश्मन भी कमाता है। कुछ ऐसा ही हुआ भोजपुरी कलाकार अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ। हाल ही में आपने उनका इंटरव्यू कहीं ना कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने एक्टर पवन सिंह के बारे में काफी खुलासे किए हैं। गंदे गंदे जब से मैंने मीडिया में बोला है कि मेरे गानों पे रोक लगा रहे हैं, मेरे काम जीना मुहाल करके रखे हुए हैं, तब से लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, फेसबुक पे न्यूड फोटो में मेरा फोटो ऐड करके गालियां दिलवा रहे हैं, मुझे हैरिस मेंटली हैरिस करने की कोशिश की जा रही है। धमकी के भी मामले हैं, धमकी बहुत, बिहार आओ जान से मार देंगे, और जान से मारने की धमकी तो है ही, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं गालियों के साथ। तो इस वजह से पवन सिंह के भाई लोग मिलके करा रहे हैं ये सारी चीजें, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और पवन सिंह का ही देन है, वो इंटरनली सारी चीजें कर रहे हैं और वो तो सामने आएंगे नहीं। एक साल हो गए उनके शादी को, एक साल पहले हम लोग साथ में काम कर रहे थे, और फिर उस समय उनका ऐसा था कि उनकी शादी के बाद भी मैं जबरदस्ती उनके साथ रहूं, उनके साथ काम करूं, ये दबाव वो लगातार मुझ पे बनाते थे, लेकिन फिर भी मैं अपना कदम पीछे ले ली और चुपचाप काम करने लगी। उसके बाद इनकी धमकी आती थी कि जाओगी कहाँ, जो कि इंडस्ट्री के सारे लोग जानते हैं, जिन जिन के सामने ये लोगों के सामने भी करते थे कि जाएगी कहाँ, आग के पैर पे गिरेगी मेरे ही पास। तो इंडस्ट्री से आउट करने के लिए, फिल्म से आउट करने के लिए हर जगह ये पीछे लगे रहते थे, प्रोड्यूसर्स को मना करते थे, हीरोज को मना करते थे, तो हर तरीके की कोशिश ये करते रहे। उसके बाद ऐसा हो गया कि एक समय आया जब मैं खुद अपने पैर पे एस्टैब्लिश हो गई और काम करने लगी, गाने गाने लगी। आज एक साल से ज्यादा हो गया है, अब भी वो मेरे पीछे पड़े हैं म्यूजिक कंपनीज में, हालांकि वो डायरेक्टली मुझे नहीं बोलते हैं, वो पीठ पीछे इनडायरेक्टली अंदर अंदर से चीजें कराते हैं, जो कि मैं फेस कर रही हूं। आज एक साल हो गया, मैं एक साल से फेस कर रही हूं इन चीजों को, और अब वो मेरे गाने पे रोक लगाते हैं। लेकिन अगर आपको इस विवाद के बारे में नहीं पता है तो हम बता दे कि अक्षरा सिंह ने मीडिया के सामने साफ साफ कहा है कि पवन सिंह और उनके बीच जो रिलेशनशिप था वह केवल एक साल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पवन सिंह और उनके भाई लगातार उन्हें मार देने की धमकियां दे रहे हैं। इस बात की शिकायत उन्होंने मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। वहीं इस विवाद पर काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर सच क्या है ये तो वही बता सकते हैं जो पवन सिंह और अक्षरा को करीब से जानते हों, जिन्होंने उनके साथ काम किया है या कुछ वक्त उनके साथ बिताया हो। लेकिन इस विवाद में कई जगह मृत अभिनेत्री रूबी सिंह को भी घसीटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या पवन सिंह की वजह से की थी, और इसी बात को गलत ठहराने के लिए भोजपुरी अभिनेता जय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि पवन सिंह इसके दोषी नहीं थे, क्योंकि रूबी सिंह को वह बहुत अच्छी तरह जानते थे। रूबी सिंह ने पवन सिंह के कारण आत्महत्या नहीं किया था। रूबी सिंह इस इंडस्ट्री के जो शैली थी, जो इस इंडस्ट्री की शैली थी, उस शैली को पाश्चात्य में वो चल नहीं पा रही थी। उसका जीवन का जो एक इच्छा थी, जो एक एम था, उसमें कुछ निश्चित तौर पर गड़बड़ी थी, लेकिन कई पीठ पत्रकारिता और छुट भैया तरीके के पत्रकारों ने आरोप लगाया कि रूबी सिंह के पवन सिंह से संबंध थे और पवन सिंह ने के कारण रूबी सिंह ने आत्महत्या किया। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बेवजह उस अभिनेत्री का नाम किसी भी विवाद में न घसीटें। ये सबसे बड़ा विषय जिसको लेकर आज मैं यहाँ आया था। वही पवन सिंह के साथ काम कर चुके प्रोड्यूसर और एक्टर ने
आंसुओं की धारा बहाते हुए कुछ यूं सफाई दी और कहा कि वह किसी एक के साथ या दूसरे के खिलाफ नहीं रह सकते। मैं इसलिए ये दावा कर सकता हूँ कि इंडस्ट्री में रूबी सिंह मुझे भाई का दर्जा देती थी और मेरी सगी बहन से बढ़कर थी वो। मैंने अंतिम समय में 7 से 8 फिल्में उनके साथ एज ए विलन किया। जब भी रंग दे प्यार के रंग में हम कर रहे थे, पनवेल सुरमे फार्म हाउस में, उस रात को पूरी शूटिंग चल रही थी और रो रो के सब बता रही थी कि यार मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है। समय थोड़ा सा है इंडस्ट्री वाले, और भोजपुरी में उतना पैसा है नहीं हीरो को छोड़ के, क्योंकि हीरो सिंगर होता है। तो मुंबई शहर में रुकना चलना और 4 लोगों को लेके चलना, और मैं दावा इसलिए भी कर रहा हूँ कि गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आप लोग जाकर उसकी FIR, उसका ADR जो है चेक कर लीजिए, उसमें ऐसा किसी तरह का मामला दर्ज नहीं है। इंडस्ट्री में कोई एक आदमी अगर आके ये बोल दे कि रूबी सिंह इतना परसेंट भी गलत थी, तो मैं इंडस्ट्री छोड़ने को तैयार हूँ, ये मेरा दावा है। मैंने उनसे कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैंने ये कहा कि दोनों के बीच मधुर संबंध निश्चित आज अगर विवादित है तो ये उनका मन भेद है या मत भेद, ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री है, आज कई लोगों का विवाद होता है, कल एक हो जाते हैं। लेकिन अगर अक्षरा जी ने FIR किया है तो क्यों ना हम ये इंतजार कर लें कि अक्षरा जी को सोशल मीडिया पर जाकर उनकी तौहीन की गई या शोभनीय शब्द कहे गए, उनको गालियां दी गई, और अगर वो वाकई पवन सिंह हैं, पवन सिंह के फेसबुक से हुआ है, पवन सिंह के ईमेल आईडी से हुआ है, पवन सिंह के मोबाइल से हुआ है, तो निश्चित पवन सिंह सजा के हकदार है। निश्चित तौर पर अगर अक्षरा जी का, जो कि एक महिला है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, और हमारी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी अदाकारा है, उनका सोशल मीडिया पर जाकर जिस किसी ने भी, चाहे पवन सिंह हो, चाहे जय सिंह या जसवंत जी, कोई भी हो, अगर सोशल मीडिया पे उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, शोभनीय व्यवहार हुआ है, वो अगर पवन सिंह के फेसबुक से हुआ है, पवन सिंह के मोबाइल से हुआ है, पवन सिंह के ईमेल आईडी से हुआ है, तो निश्चित तौर पर पवन सिंह उसके सजा के हकदार हैं। और यह जल्द ही मालवणी पुलिस स्टेशन की जो साइबर सेल क्राइम जो इस मामले को देख रही है, वो अपना रिपोर्ट दे देगी। इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि साइबर जो FIR हुआ है उसमें क्या है, किसने किया। हो सकता है कि पवन सिंह का ईमेल आईडी वगैरह से किसी और ने किया, हो सकता है पवन सिंह ने किया हो, लेकिन मुझे पूरी तरह विश्वास है कि पवन सिंह व्हाट्सएप छोड़ के कुछ चलाते ही नहीं है। हमने कुछ सवाल अभिनेत्री मधु शर्मा से भी किए, जिनके साथ हाल ही में पवन सिंह ने फिल्म जय हिंद बनाई और उन्होंने कुछ यूं विवाद पर अपनी राय दी। मुझे तो नहीं लगा, मैं उनके साथ 5 फिल्में कर चुकी हूँ, 5 फिल्मों में गुस्सा तो हर इंसान को आता है, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। कभी कभी टाइम पीरियड ऐसा गलत हो जाता है कि उस टाइम पे ही कोई मीडिया वाला उनसे टकरा गया हो जब आपका मूड खराब हो, बट आई डोंट थिंक सो ही इज़ अ वेरी गुस्सेल इंसान, क्योंकि काम के टाइम भी तो बहुत मस्ती करते हैं। जितना भी मैंने उनके साथ 5 फिल्में की, मेरी पहली फिल्म उनके साथ शुरू हुई थी एक दूजे के लिए, मैंने तब भी देखा था कि वो बहुत शैतान टाइप के इंसान है, मस्ती करते रहते हैं सेट पे, तो गुस्सेल तो मुझे कभी लगा नहीं। मीडिया ने एक छवि बनाई है, कुछ रीजंस होंगे उनके, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कभी उनको गुस्से में नहीं देखा या मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। सच और झूठ का पता तो तब ही चल पाएगा जब पवन सिंह भी अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे, पर मीडिया ने जब भी पवन सिंह से इस बारे में पूछा है, उनके हितैषियों ने जवाब में बस इतना कहा कि वह इस वक्त काम में व्यस्त हैं। खैर, सच तो सच ही होता है, जो छुपता है वह छुपाता है, पर मीडिया को इंतजार है पवन सिंह की प्रतिक्रिया का।